इसके बाद में ऑफ लग जानी लगनी नहीं लगेगी। ये इसका मिड पैनल है, लेमन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस यूट्यूबर नादिया के किचन को मिलने के लिए। इस रेस्टोरेंट है शाहजहां शायद, तो वहाँ पे उनको मिल रहे हैं। आपको वहाँ चल के मिलवाती हूँ उनके साथ। वालेकुम वीरन वेन्यू। आज हम जा रहे हैं बाहर, मेरी कज़न भी आई हुई हैं विहाड़ी से, और मेरी जो मुल्तान वाली कज़न है आयशा, इन्हों फिरन का बड़ा ही शौक है। इसने मुझे कहा चलें बाजी बाहर, हम बाहर चलते हैं। और आज आपको बहुत ही फेमस यूट्यूब व्लॉगर जो है नादिया का किचन और शाजिया का किचन, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। उन्होंने हमें डिनर पर इन्वाइट किया हुआ है शाहजहां रेस्टोरेंट में, वहाँ मिलते हैं आपको उनके साथ। और उससे पहले मैंने कहा कि चलें हम थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लें, चीज़ें देख लें, कपड़े वगैरह देख लें, थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी हो जाएगी। आई मीन ज़रा ना मेरी आँखें खुलनियाँ थोड़ियाँ नहीं बना सकते। ये देखेंगे हम मेरी कज़न है पीछे, वो है ये बुटीक छोड़ने दो, फिर हम बस मारिया भी पे चलते हैं। और सना सफी नाज पे, ये देखें पीछे खिला दो। खानी है क्या शकरकंदी? अब नहीं खाई जा रही होगी, खाली था आपने खाई, वो सारी खा ली है। वो देखो कैसे जुड़ी हुई है, चलें भाई। नजर आ रहे हैं आपको पहले पीछे, सुने व्यू तो नहीं ब्लॉक किया। ये अमृत नान, अच्छा ये भी डिजाइनर है। अच्छा हाँ। हम इधर आए हैं अभी तो आपको दिखा देते हैं। ये देखो इसका कितना प्यारा वेलवेट का सूट है आशा, ये लास्ट ईयर का ऑफ पे होगा, लग तो नहीं रहा ऑफ पे। अब यहाँ मैं सारी दुनिया घूम के मारी अभी फिर रुक गया। हाँ ये देखा इनका, ये वाला अच्छा है, मुझे ये पसंद आया था अपने लिए। ये अच्छा सूट है, ये शादियाँ भी है ना एक दो उन पे पहनने के लिए। और एक ये मुझे अच्छा, ये इसमें पिंक और एक ही अच्छा, कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है? ब्लू है, हाँ ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा, पर इतने अब मैंने दो नहीं लेने ना। कलर अच्छा है, ये अच्छा आयशा, ये वाला, ये देखो देख रही हैं इसमें से, वेरी नाइस। ये वाला दिखाओ, इतनी प्यारी लग रही है, क्यों नहीं जच रहा। देखिए जी मारिया भी पे कपड़े पसंद आते हैं मुझे आके, मैं सारे कपड़े मारिया भी के ही होते हैं मेरे, मैं इनको प्रमोट करूं तो बहुत ज्यादा प्रमोशन हो जाती है। हाँ फिर उतार दें, हाँ ठीक। अच्छा ये देखें, ये ब्लैक है तो इसकी ये जा रही है, ये देखिए ये इसका नेक लाइन है। अच्छा अभी भी इसमें सिर्फ एक 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 लाच भी आपके सामने। अच्छा ये देखें, फिर ये इसमें दामन पे आएगा, ये सारा स्लीव्स पे आएगा। अच्छा अच्छा
मैं देखूं जाके उधर ये वाला सूट दिखा रही हैं और ये है इसका सूट। बस ये मैंने वैसे भी शादियां अगर एक दो हैं ना तो उनमें काम आ जाएंगे मेरे, फिर मैं कहाँ से कपड़े बनाती फिरूंगी। बैग कितना नाइस है ना। लास्ट पीस रह गया आयशा, ये वाला कर दें एक, ये वाला ज्वेलरी इनकी। और वो पीछे ग्रीन जिसका नीचे लटक रहा है बीड सा ग्रीन, हाँ ये भी प्यार है जी। ये था ग्रीन है, ग्रीन मेरे पास है। एक ये है, ये भी अच्छा। हाँ नाइस लग गई। कलर आप देखने, कलर सारे दिखा देना। कौन सा कलर है? पकड़ ये लो, ये आपके पास एक्स्ट्रा होती है। चलो चलो उश्वा, चलो चले, चलो 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 ले जी, कहीं भी चले जाएं, सुकून मारिए। अभी मैं यहाँ शौक से दिखलाएगा। ये देखें भाई, ये बड़ा ही बीबा बच्चा, ये हमारे साथ फिरता रहा। दिखाओ भाई, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है छोटा। ये हमें भाई, अब हम जा रहे हैं शाहजहां नादिया को मिलने और शॉपिंग हमारी हो गई तो आपको मिलवाते हैं। आशी तुम जरा अपने मुंडे पीछे करो। तुम जरा अपने मुंडे, इतने मुंडे पीछे करो। वो अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया, नादिया का फोन मैसेज आया, वो बस 10 मिनट तक हमारे साथ होंगी, फिर हम आप तो उनको जानते ही हैं लेकिन हम उनको मिलेंगे। चलो बस क्या मिलते बात कर। भाई जो नादिया से हमारी मीटिंग थी आते वक्त की, वो तो सारी ही जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। ए जड़े मैं कहनी हाँ टुटे भजे डायरेक्टरों ने मैं फ़ोन फड़ाया ना पिछे, क्या वीडियो बनाओ, उन्होंने बस मैं ऑन करके फड़ाया, उन्होंने बंद करके वीडियो सारी बनाई है पर कैमरा ऑन नहीं सी, बस ऐसी वीडियो बनी थी। हमें खाना, हमने कहा कैसे नहीं करना, पर नहीं, मैंने खुद से बना के नहीं खिलाया तो मैंने खिलाना वो तो नहीं था, नहीं था तो खिला ले। मैं कहती हूँ जब आपकी लगन कभी सच्ची होती है ना किसी को देख के, मुझे कभी नहीं लगता कि हम किसी को नहीं मिल सकते, ये मुझे कभी नहीं लगा। जिसको मेरा दिल चाहे, तो कभी सोचा ही नहीं था, जिसको मेरा दिल चाहे मैं उसको मिल लेती हूँ, मुझे पसंद आता है, मेरा ये है। आपको तो कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा पहले मैं देखती थी आपको, जब कुकिंग करती ना सिर्फ आवाज से। अच्छा मैंने कभी सोचा था मैं ऐसे आपके साथ बैठी होंगी और आप मेरे साथ और हैं आप लोगों के साथ मैं बैठी होंगी, बस ये होती है सच्ची नीयतें और दिल से प्यार। हाँ देखिए हमने सेम कलर का सूट पहना है, प्यार होता है। हाँ प्यार होता है। और नहीं आंटी, इन्होंने जो एग्जांपल सेट की है ना कि पाकिस्तानी औरत को घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होती हैं आपसे और शायद उनका दिल भी करता हो फ्रिज साफ करें, अपने जो है सब्जियां उनको धो के रखें है, और आपसे आपसे भी उनको लगता होगा कि कैसे अंडे धो के फ्रिज में रखते हैं। है ना, मैं ऐसे रखती थी, ने मुझे धोया फिर मैंने अंडे धोए। तो ये सब कुछ इंस्पायर होते हैं इनसे, हम तो चले बाहर रहते हैं टीवी पे, तो हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, नजर पड़ लो, कहते हैं आयशा देखो ऐसे करते हैं, ऐसे काम करते हैं, बड़ी मेहनत है।
ज्यादा मुश्किल है सफाई करवाना, ज्यादा मुश्किल है। मैं इनको दिखा रही हूँ कि इसमें वीडियो कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे हम और खूबसूरत लग सकते हैं वीडियो। अब ठीक है मजी। हाँ नहीं, मैं कह रही थी आपने जो भी रिसेंटली बास्केट रखी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो अच्छी है। ले कर आपने उसमें तीन कलर भी है, ले जाएंगे? हाँ ले जाएंगे, सच्ची सच्ची। हाँ ये मुझे गिफ्ट करेंगी वो बास्केट से, इसमें इन्होंने टमाटर और हरी मिर्चियाँ रखी थी है ना, हवा भी लगती है। मैं रखूँगी अपनी गिफ्ट में ज़्यादा अपने, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है। लोग पूछते हैं मुझसे कभी ना कौन सी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड है, मैंने कभी ब्रांड को देखी नहीं, ब्रांड को याद होने लगी है, चीज़ अच्छी याद नहीं। नादिया के साथ मेरी मुलाकात कैसे हुई ये आप लोग जानना चाहते होंगे, भाई कैसे कांटेक्ट हुआ। मेरी जो कज़न है ना आयशा, वो मुल्तान में ही रहती हैं और वो नादिया की बहुत बड़ी फ़ैन है। उन्होंने मुझे इनका जो है यूट्यूब वीडियो, वो मेरे साथ लिंक शेयर किया कि ये आप इनकी वीडियो देखें। अच्छा, जब मैंने इनकी वीडियो देखनी शुरू की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पाकिस्तान में किस तरह से एक हाउस होल्ड में वाइफ को कैसे रहना चाहिए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी करनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड हो के कैसे रहना चाहिए, वो कोई इनसे सीखे। और उसके बाद मैंने भी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मेरी आदत है नहीं इस तरह से मैसेज करने की। वो मेरी कज़न आयशा जो है ना, बस वो ऐसी शदैन है, वो मेरे पीछे पै गई, मैसेज करें नादिया को। मैंने मैसेज किया और मैंने इनको मैसेज में यही कहा, मैंने कहा मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ पर मेरी कज़न आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और मैं जब भी मुल्तान आऊँगी ना तो मैं आपको मिलना चाहती हूँ। बस वहाँ से फिर मेरी और नादिया की बात स्टार्ट हुई, फिर हम मैसेज करते रहते थे एक दूसरे को। कभी मुझे यूट्यूब की कोई समझ नहीं आती थी तो मैं इनको पूछ लेती थी और ये मुझे बहुत अच्छा गाइड कर देती थी। और बस ऐसे ही फिर बातचीत बढ़ जाती, फ्रेंडशिप हो गई। और फिर हम जब मैं अभी मुल्तान आई हूँ तो बस फिर मेरी कज़न पीछे पड़ गई कि नहीं बाजी करें मैसेज। तो इस तरह से फिर नादिया को मैसेज किया और उन्होंने बड़े ही खुले दिल से हमें कहा कोई बात नहीं, शॉर्ट नोटिस है, हम बाहर मिलते हैं। इन्होंने इतना अच्छा डिनर दिया, इतना अच्छा खुले दिल से चीज़ें ऑर्डर की, जिसका जो दिल है उसको कहा वो खाए। और अपनी अम्मी से भी मिलवाया, बहन से भी मिलवाया और बहुत ही प्यारी हैं, जैसी वीडियो में नज़र आती हैं बिल्कुल उससे भी ज़्यादा प्यारी हैं। बहुत ही अच्छी नेचर की, बहुत ही खुले दिल की और मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नादिया, इंशाल्लाह ऐसे ही आगे हम मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें मिलके, देखें रेस्टोरेंट भी कितना जबरदस्त था और ये इधर खड़े हैं सब, बस जाने की तैयारी है अब। और बड़ा अच्छा लगा, मैं वीडियो बना रही हूँ, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। कौन आ गया पहले? आप आ गए, यशोदी नहीं आनी होगी लगा। चले जी, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर हम चलो।